इंशाल्लाह 3 जुलाई को इस अहद का बड़ा मुनफरिद सेमिनार मरकज़ सिरात मुस्तकीम लाहौर में हो रहा है, रुयते हिलाल सेमिनार। हिलाल नए चांद को कहते हैं, रुयते देखना। इस पर हमारी शरीयत के कानून हैं, जाबते हैं, चांद देखने पर फर्ज का मदार है, चांद की गलती की बुनियाद पर हराम का इर्तिकाब हो सकता है, जिस तरह के ये अभी ईद उल फितर के मामला में आपने देखा। और उम्मत आहिस्ता आहिस्ता भूलती जा रही है कि ये भी कोई चैप्टर है शरीयत का, इसके भी कोई उसूल हैं, इसके भी कोई जाबते हैं। और वो उसूल जाबते ऐसे हैं कि मुतबादल आज वाला हम वहां लागू ही नहीं कर सकते, वरना शरीयत से तसादुम और बगावत लाजम आता है। तो चूंकि काफी इस सिलसिला के अंदर जरूरत मैंने महसूस की, और मुझे यकीन है कि लोग अगर ना जानते हों, बेखबरी में गलती कर बैठे हैं, वो अलहदा बात है। आज भी उम्मत में ये जज्बा मौजूद है, जब उन्हें पता चले कि ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता है, ये सुन्नत तरीका है, ये हमारा दीन है, तो आज भी अक्सरियत लोगों की जब मसला का पता चल जाए तो उस पर डट जाते हैं, उस पर औरों को भी कायल करते हैं। तो ये हमारी किताबें 14 सदियों की ऐसे उमूर से, अहादीस से, आयात फुकहा के कवानीन से भरी हुई हैं। तो ये बहुत मैंने कमी महसूस की। तो जिस तरह हमारा सिरात मुस्तकीम का मंशूर है कि उम्मत को, मुआशरे को जिस बारे में ज़रूरत हो शरी रहनुमाई की, तो हम अल्लाह के फजल से वो पेश करेंगे। तो 3 जुलाई को नमाज मगरब के बाद मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग लाहौर में चांद देखने के आदाब, फजीलत, शरी तरीका और खतरात, और जो इस सिलसिला में राइज गलतियां हैं कि चूंकि आज बड़ा है तो ये फिर कल का होगा, इतनी देर ठहरा रहा है तो फिर ये दूसरी का होगा, या इस तरह करके, यानी बहुत सी चीजें जो गलत राइज हैं कि एग्जैक्ट उनके मुकाबले में शरीयत के उसूल मौजूद हैं, वो उसूल दब गए और गलतियां वो अवाम में राइज हो गई। तो इस बुनियाद पर उस सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, उसमें आपसे शिरकत की अपील करता हूँ।